साथियों, आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी समाज को पिछले कई दशकों से एक लंबा संघर्ष करना पड़ रहा है। संघर्ष आप सबके सामने है कि ओबीसी समाज के मुद्दे आखिर क्या हैं, लेकिन उन मुद्दों को हल क्यों नहीं किया जाता। कई सरकारें आई, कई सरकारें चले गई। हम ये नहीं कहते कि मौजूदा सरकार भाजपा ने ही ऐसा किया है, इससे पहले भी कई सरकारें बनी और कई चले गई, लेकिन ओबीसी समाज के मुद्दे हल क्यों नहीं हुए, मसले मसाइल हल क्यों नहीं हुए, आखिर ओबीसी समाज क्या मांग रहा है। 1953 से 1993 तक और अब 1993 से लेकर के 2024 तक लगातार ओबीसी समाज का संघर्ष जारी है। इन लोगों की आखिर गलती क्या है, क्यों इन लोगों की आवाज़ किसी भी सरकार को नहीं सुनाई देती, क्यों इन लोगों को सरकार के सामने खड़ा होकर के सरकार को आईना दिखाने की ज़रूरत आन पड़ी है। 1993 से लेकर के 2024 तक एक लंबा संघर्ष लड़ने वाला शख्स हमारे साथ इस वक्त बैठा हुआ है, जिनका नाम बंसीलाल चौधरी है। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, पहले मुझे RTI चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार जी। पहले एक सवाल ये मन में आता है कि आखिर ओबीसी समाज जब अपने हक की बात करता है तो कोई भी सरकार रही हो, वो ओबीसी समाज के उस हक को उन्हें देने की बजाय उन लोगों को लालीपॉप थमा देती है। ये आज से नहीं, काफ़ी समय से हो रहा है और आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? सर, ऐसा है कि मैंने पहले ये बात रखूंगा आपके सामने कि 1953 में ये मूवमेंट शुरू हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो आज इस दुनिया से चले गए हैं बहुत, उसमें से एक सारे साथी जीवित हैं आज भी, उन्होंने उस संघर्ष में 1953 के अजीत सिंह, उस संघर्ष में उन्होंने हाथ शुरू किया था। 1953 में 25,000 आदमी का उस वक्त ओबीसी का जुलूस जम्मू के निकाला गया था। लेकिन साथ सरकारों के पास बहुत हथियार होते हैं कि किसी न किसी ढंग से लालीपॉप आपकी बात सही है दे देते हैं, तो संघर्ष जो होता है ना वो थम जाता है और फिर उसको मतलब दोबारा उसको करना हो तो मतलब कहने का कि समय लग जाता है, लोगों का विश्वास जीतने में, लोगों को घर से बाहर निकालने में बड़ी आसान चीज़ नहीं होती है ओबीसी समाज के लोगों को एक जगह पर लेकर के आना। 31 साल हो गए मेरे को आज, 32 साल मेरे को लगा है। मैं 32 साल से संघर्ष, ना मैं किसी पार्टी में गया, ना किसी पोलिटिकल पार्टी में ज्वाइन नहीं किया आज तक मैंने, लेकिन यह कि 32 साल से इसी संघर्ष में डूबे हुए हैं। लेकिन आपकी बात सही है कि हमारे बीच में से आप अब वो क्या करते हैं कि हमारे बीच में से साथी जो हैं उनको ओबीसी मोर्चा हो गया, ओबीसी डिपार्टमेंट हो गया, जो कांग्रेस का, बीजेपी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, ये उन लोगों को वहाँ जाकर, क्योंकि इन लोगों ने अहदेदारी सियासी पार्टियों में देखी नहीं होती, क्योंकि नाम को लेते हैं वो, क्योंकि वो जो कमेटी होती है उनकी, मान लो एक बीजेपी की है, मैं उसी पे आता हूँ कि जो उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है उसमें तो ओबीसी का आप बोल ही जाओ बिल्कुल। अब यह कि जो नीचे पे बूथ लेवल पे आता है, बूथ प्रेसिडेंट इनका होगा अपना, लेकिन जो ओबीसी समाज होगा या हमारा एससी समाज होगा उनको सिर्फ बूथ कमेटी वाले मेंबर रखेंगे वहाँ पे, ताकि लड़ाई झगड़ा करना होगा तो इनको इस्तेमाल किया जाए वहाँ पे। तो इसलिए वो लोग जो हमारे होते हैं ना, वो इस बात को सोचते हैं मुझे बहुत मजा उधर मिल गया है, लेकिन उनको नहीं ये पता होता कि ये यूज एंड थ्रो है। जैसे विनय कटियार, आपने देखा होगा, उमा भारती, ये लोगों का क्या हर्ष हुआ आज, मतलब कहने का कि उसकी राम मंदिर की कमेटी बनी 14 मेंबरों की, तो उसमें ओबीसी का आदमी नहीं है। तो मतलब ऐसी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे भी होती हैं। तो आप ठीक कह रहे हैं कि लालीपॉप दे जाता है, लेकिन हम लोग 31 साल से खड़े हैं, बिल्कुल मेरे साथी भी हैं, मैं अकेला नहीं खड़ा हूँ, मैं साथियों की बदौलत खड़ा हूँ, मैं नाम लूँगा उनके भी, कुसुला बसोत्रा जी हैं, मनोज टडियाल जी हैं, कीर्तन तपिया जी हैं, पवार साहब हैं, और बहुत सारे साथी जो खड़े हैं इस वक्त। इस अधिकार यात्रा, जो ओबीसी अधिकार यात्रा निकाली गई, ये एक हमारी बहुत एक साइन था कि लोगों के बीच में चले। तो हमने ये प्रण कर लिया कि
इनडोर कार्यक्रम हमारे नहीं होंगे आज के बाद, क्योंकि लोगों को बाहर निकले तो उससे मतलब कहने का कि जागृति आती है लोगों की। अब उसी काम में हम लोग जुटे थे सितंबर 2021 के अंदर, तो अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। आप देख रहे हैं, आपने बहुत सहयोग किया हमारे साथ, आपने भी, और हमारा अधिकार यात्रा का पूरा पूरा आप जो रोल होता है वो दिखाते हैं आप वहाँ पे। तो इसलिए ये संघर्ष अब जो है अब किसी जगह पहुँचा है मुकाम पे, क्योंकि 53 में मैं आप सुना दिया, 93 में हुआ फिर 1993 में जैसे कठुआ के पास पल्ली मोड़ है उसको बंद किया गया जी, सेक्रेटरी के आगे प्रोटेस्ट किया गया 10 दिन 1993 में। मुबारक मंडी उस वक्त हाई कोर्ट वहीं होता था, डिप काम वहीं बैठते थे, लेकिन मुबारक मंडी में 10 दिन का धरना था 1993 के अंदर। मेरा मेरे बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि 1953 में जब ये मूवमेंट शुरू हुई कि ओबीसी को अपने हक लेने हैं, उस वक्त किसने शुरू की थी, और फिर 1993 तक ये इतना लंबा गैप क्यों रहा, क्यों मूवमेंट जो है वो रुक गई? उनके नाम है सर करतार सिंह जी थे, करतार सिंह जी वर्मा जी, वो एडवोकेट थे उस वक्त, उनके साथ अपने एक सराफ साहब थे, उनकी दुकान जो मुबारक मंडी जो चौक है पकड़ डंगे का, उस चौक में आज भी उनकी दुकान है, लेकिन वो तो इस दुनिया से चले गए हैं। उसके बाद मदन लाल जी जो MLC बने, वो एक कश्यप समाज की जो धर्म मतलब है का, जिसको जीवर बरादरी भी कहते हैं, उनके भी वो नुमा थे। ये नुमा आज उनमें से हमारे एक आदमी जीवित है जिन्होंने 1953 की मूवमेंट में भाग लिया था, वो हैं अजीत सिंह जी जो कुम्हार बरादरी के हैं और रहते हैं वहाँ पे शक्तिनगर। तो उस वक्त वो मुझे विवरण पूरा उनसे लिया था मैंने 1953 में, लेकिन 1953 की जो 1993 की मूवमेंट थी उसमें तो मैं खुद शामिल था उस वक्त, हालांकि उसमें मेरा पहला कदम था उस वक्त एंट्री का, तो मैं तो जीरो शून्य था इस वक्त। आपको पता था कि ओबीसी समाज की कोई मूवमेंट चल रही है 1953 से, और उसमें अधिकारों की बात हो रही है जब आप 1993 में इसमें उतरे? जब ये 1993 के अंदर जब ये मूवमेंट स्टार्ट होनी थी तो लोगों ने 92 में 91 में शुरू कर दी थी, तो जब मूवमेंट शुरू हुई तो जो पुराने साथी थे तो उन्होंने ये बात हमको भी मुझे याद अभी तक कि जिन लोगों ने शुरू की 1993 में, तो जो अजीत सिंह थे उनकी मुझे वर्डिंग आज भी याद है, उन्होंने कहा कि ये टिमटिमाती जोत है, हमने 1953 में ये जलाई थी, आज इसमें तेल डालोगे तो ये आज फिर ये मतलब जल जाएगी, आप इसमें तेल डाल के तो देखिए, मतलब कहने का था उनका, वो ये कह रहे थे कि ये फड़फड़ा रही है, ये फड़फड़ा रही है, आप इस दीपक में तेल डालिए, आप अपनी आहुति डालिए, संघर्ष में उतरिए और ये दोबारा चल सकती है। तो हम लोग उतरे संघर्ष में, उस वक्त सब इकट्ठे थे बिल्कुल, लेकिन फिर आपने वही बात जो आपने कहा कि सियासी पार्टियों ने अपने लाली पॉप देकर किसी ढंग से इस मूवमेंट को मतलब कहने का कि फेल करने की कोशिश की गई, थ्रेट दी गई होगी, या जैसे आज देख रहे हैं ईडी के छापे बैठे हैं, कैसे होता है, हो सकता है उस टाइम भी ऐसा हो, तो कुछ मजबूरियां होगी हमारे लीडरों की उस वक्त, उनको भी कुछ ईडी के छापे होंगे या कुछ, तो किसी ढंग से मूवमेंट डाउन हो गई। फिर 1993 के बाद जब मूवमेंट डाउन हुई तो उसके बाद जब मंडल कमीशन सामने आ चुका था उस वक्त, तो हमने जो SRO जम्मू कश्मीर का रिजर्वेशन रूल्स थे जो 1994 में फ्रेम किए गए, के गुप्ता कमीशन जो था क्रिमिनल कमीशन जो कि बनाया गया जम्मू कश्मीर के अंदर उस वक्त 1993 में, के गुप्ता कमीशन बनाया गया था क्रिमिनल कमीशन, उसमें RC गांधी भी उसमें मेंबर थे। उसका एक ही काम था कि जो क्रिमिनल सुप्रीम कोर्ट ने 1,00,000 रुपए रखी है तो वो क्या जम्मू कश्मीर में भी वही रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी, लेकिन यहाँ भी 1,00,000 रखी गई। उसके बाद हमारे साथियों को जो कठुआ में हमारे मुरलीलाल बदन थे, आज वो भी एक्सपायर हो चुके हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाकर जिस वक्त तो जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल था उस वक्त 1995 में, तो उस वक्त क्या हुआ कि फिर ऑर्डिनेंस जारी किया, शंकर दयाल शर्मा जी उस वक्त राष्ट्रपति थे, उन्होंने फिर उस वक्त ऑर्डिनेंस जारी हुआ 1995 में कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, उनको भी सरकार भी पता था, उन्होंने फिर उस वक्त यहाँ पे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पैरा नंबर 123A AIR
93-94 का जो है उसके अंदर पैरा नंबर 123 है ए है, उसके तहत जम्मू कश्मीर में कमिश्नर बनाया गया, उसका ऑफिस जानीपुर में पैसा से पहले खोला गया, उसके रिटायर्ड जस्टिस जो थे उनको चेयरमैन बनाया गया, लेकिन उस कमीशन ने कोई काम नहीं किया। मतलब 1997 में जब 96 में यहाँ चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, डॉक्टर फारूकुल्लाह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने उस वक्त जो कमीशन था जम्मू कश्मीर में असेंबली में पास किया गया कि 1997 का एक्ट जो है बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एक्ट 1997, लेकिन उसमें एक बात थी, चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस होगा या एग्जिस्टेंस होगा एग्जिस्टिंग, लेकिन उसमें दो मेंबर होते थे जो ओबीसी की मतलब नॉन जो वो प्राइवेट मेंबर भी कह सकते हैं आप, लेकिन जिनको नॉलेज होगी ओबीसी की उनको उसमें दो कंडक्ट किया जाता था, उनका टेन्योर था 3 साल का टेन्योर होता था, लेकिन उसमें फायदा मिला कुछ जो कास्टें थी लोहार तरखान मान लो शीर गुजरी थी फिर उसका लवाना बरादरी थी ये जो कास्टें थी इनको एंटर किया गया इसमें, तो मतलब कमीशन का। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है जब ये बीजेपी की सरकार बनी जम्मू कश्मीर के अंदर तो पीडीपी के साथ समझौता किया था उन्होंने, इन्होंने एक आर्डर उस कमीशन को उसमें अमेंडमेंट कर दी किसन में, किसन की बात 1990 इसमें 2016 में 2000 मेरे पास आर्डर पड़ा 2016 का है, उसमें इन्होंने क्या किया कि रिटायर्ड जस्टिस या एग्जिस्टिंग जज नहीं होगा, अब इसके अंदर कोई एग्जीक्यूटिव अफसर भी होगा, मतलब वो उसका चेयरमैन भी बनेगा, तो चाहे वो रिटायर्ड हो एग्जीक्यूटिव अफसर जीत लाल गुप्ता को बनाया गया। मेरा मतलब कहने का कि जस्टिस के ऊपर जो उसका माइंड सेट है तो जस्टिस का होता है वो न्याय देने का होता है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव अफसर होता है उसका माइंड सेट जो होता है वो न्याय देने में पीछे भी खिसकता है, उसके ऊपर प्रेशर भी आ सकता है। दो मेंबर रखेगा सर, एक सीनियर लॉयर होगा कोई हाँ, उसके बाद दूसरा होगा एजुकेशनिस्ट, वो मतलब कमीशन वहीं से स्टार्ट हो गया कि नाम है उसका बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसमें मेंबर या चेयरमैन कोई ओबीसी का नहीं है। जम्मू कश्मीर में ऐसा माहौल बना दिया गया कि उस कमीशन को वहीं से 16 से उन्होंने शुरू कर दिया 2016 से, जो दो मेंबर ओबीसी के होते थे जो अपनी बात रख सकते थे कमीशन के अंदर, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, बीजेपी ने खत्म किया उस वक्त, ये बात सही है बिल्कुल। उसके बाद जब ये 2019 में जब धारा 370 खत्म हुई तो जो कमीशन जो बना हुआ था, यहाँ बहुत एक सीरियस बात है, जम्मू कश्मीर बैकवर्ड क्लासेस कमीशन 1997 उसको रीबिल कर दिया गया, लेकिन जो रिजर्वेशन एक्ट 2004 का है धारा 370 के मुताबिक बना हुआ है वो, उसको आज भी लागू रखा हुआ है। जो रिजर्वेशन रूल SRO 294 जो है वो भी धारा 370 के अंतर्गत बना, उसको भी लागू रखा हुआ। लेकिन रविंदर रैना जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ये मन से कहते हैं कि हमने ओबीसी समाज को आरक्षण दिया है अब जम्मू कश्मीर में जो पहले नहीं मिला था। देखिए प्रधानमंत्री यहाँ 2014 में आए, जब चुनाव हो रहा था वो प्रधानमंत्री बन चुके थे, जम्मू कश्मीर की असेंबली का चुनाव था, यहाँ मौलाना आजाद स्टेडियम में मैं खड़ा था उधर बेलगोड जी, वहां भी पहले वहां भी सुनने गए थे क्या बोलते हैं, लेकिन जब हमने सुना तो मैंने तो उन्होंने कहा कि धारा 370 दफा का सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी को हो रहा है, ठीक है मान ली बात। 5 अगस्त 2019 31 अक्टूबर 2019 ये 2.5 महीने का पीरियड जो न्यूज़पेपर आते थे उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे हेड मतलब एडवर्टाइजमेंट आती थी सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में ओबीसी को वही अधिकार मिलेंगे जो दूसरे राज्यों में मिल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स स्थाई पर्सनल रिजर्वेशन कहने का मान भाव। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने वहां कहा फिर हीरानगर में कहा, अगर कोई विश्वास नहीं करेगा तो हमारे पास क्लिप मौजूद है इस वक्त, दोनों क्लिप मौजूद है इस वक्त हमारे पास, प्रधानमंत्री ने उस वक्त कहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने 10 साल लड़काते रहे मामले को, कमीशन बनाया गया, पिछले कमीशन जो बना हुआ था मैंने पहले कहा आपको कि जो 1997 का कमीशन था अगर आपने स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 लागू रखा धारा 370 का बना हुआ तो आपने फिर कमीशन को खत्म क्यों किया, क्योंकि इनकी मैलाफाइड अटेंशन
जो साफ जाहिर करती है नाम है बैकवर्ड क्लास कमीशन, लेकिन उसके अंदर ओबीसी का कोई मेंबर नहीं है, कोई चेयरमैन नहीं है। जिन लोगों ने हमारे साथ कई हजारों सालों से हमारे साथ अन्याय किया, वही लोग जाके कमीशन में बैठेंगे, तो हम लोग क्या कोई अन्याय की उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तीसरी मर्तबा भी वो प्रधानमंत्री जीत करके आएंगे और जम्मू कश्मीर में जो दो सीटों से उनके उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो दोनों जीत जाएंगे और जम्मू कश्मीर से एससी एसटी ओबीसी समाज और ये सभी जो है भरपूर समर्थन करेंगे उनका। इसके मामले में मैं आपसे माध्यम से मैं ये संदेश सभी को देना चाहता हूँ कि ये भाजपा के जो कुछ लोग जो अच्छे मतलब कहना है एमपी भी रहे एमएलए भी रहे वो आज जगह जगह जैसे वो राम का रोल किया था, मुझे अब नाम भी उनका याद है कि वो गोपाल को नाम उनका जिन्होंने रामायण में रोल किया था, वो सुना उनका मैंने खुद कि 400 के पार संविधान बदला जाएगा, हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी तो संविधान देश का बदल देंगे हम। अरे भाई अगर संविधान बदलने के लिए तुम 400 सीट के कर रहे हो तो फिर अपने ही वोट ले लो, मेरा शेड्यूल कास्ट भाइयों को, आदिवासी भाइयों को, मेरा ओबीसी को खासकर, यही मेरा अर्ज है कि जो चुनाव हो रहा है इसमें अपने संविधान को बचा लो, जो बाबा साहब ने लिखा हुआ है आर्टिकल 14 आर्टिकल 15 ये सब आर्टिकल जितने बाबा साहब ने लिखे थे आर्टिकल 243 आर्टिकल 335 348 40 42 ये जो आपको ये भारत की नारी जो थी उसके भी कोई अधिकार नहीं था। अगर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री देश की बनी तो बाबा साहब के संविधान के मुताबिक बनी। तो मेरा मतलब कहने का मेरा आपके माध्यम से यही मेरा संदेश है साथियों, ये सरकार संविधान खत्म कर देगी ये उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं सभी से निवेदन जम्मू कश्मीर के खासकर ओबीसी वालों को भी ये कहूँगा, हमने अधिकार यात्रा निकाली थी इसीलिए निकाली थी हमने कि हमको पहले जगह विश्वास हो चुका था हम तो जम्मू कश्मीर वाले को कुछ नहीं मिलेगा, वो हमको पता है पहले, लेकिन देश के अंदर संविधान खत्म हो गया अगर तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि संविधान जो है वो खत्म हो जाएगा? मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, इनके आपको मैंने कह तो दिया जो रामायण में जिसने रोल, मुझे नाम उनका याद रहा है, मुझे आपको याद है तो मुझे बता दीजिए, गोपाल कुछ नाम है उनका, तो मैं हैरान हो गया, तो कल परसों वो भी और भी एक दो इनके बोल रहे हैं कि 400 पार 400 पार, मतलब कहने का कि आप संविधान बदल देंगे सारा देश का, तो संविधान बदलने का मतलब है ये मनुस्मृति को लागू करेंगे। लेकिन एक चीज है, आप ये कह रहे हैं कि वो संविधान बदलने की बात कह रहे हैं, लेकिन अगर एससी एससी ओबीसी समाज या भारत के लोग ये चाहते हैं कि संविधान बदल जाए तभी तो 400 पार जाएंगे वो। अरे भाई साहब कौन कहेगा संविधान बदलने के लिए, भारत की जो नारी थी उसको तो पढ़ने के लिए अगर महात्मा ज्योतिराय फूले या उनके मिसेज सावित्रीबाई फूले माता अगर वो स्कूल नहीं खोलते उस वक्त तो भारत इंदिरा गांधी कहाँ प्रधानमंत्री बन सकती थी। तो जो मेरा सवाल ये है कि मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, सवाल ये है कि अगर लोग नहीं चाहते कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो खत्म हो संविधान खत्म हो तो फिर 400 सीटें पार कैसे हो सकती हैं? देखिए संविधान जीवित रहेगा, एससी एसटी ओबीसी आदिवासी और कमजोर वर्ग के लोग ये देश में तभी रह पाएंगे, मैं कहना नहीं चाहता था। मेरा आखिरी सवाल है, एससी एसटी ओबीसी समाज खुद को हिंदू कहता है और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात जो है भाजपा के कई मंत्री करते हैं, आप लोग नहीं चाहते कि हिंदू राष्ट्र बन जाए? देखिए आपने सवाल किया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम देश के मूल निवासी हैं, ये आर्यन लोग बाहर से आए हैं, मैं आठवीं क्लास में पढ़ता था, आठवीं क्लास का जो इतिहास था जो हिस्ट्री की किताब लगी होती थी उसके अंदर साफ लिखा होता था कि आर्यन लोग बाहर से आए, ये आठवीं क्लास की किताब में पढ़ता था उस वक्त, लेकिन मेरे को तो उस वक्त पता नहीं था, लेकिन अब जब जो उम्र बढ़ती गई तो पता लगा भाई सब कुछ हम तो मूल निवासी हैं देश के, तो ये हिंदू तो वर्ड शब्द कोई था नहीं, ये तो फारसी का लफ्ज है, ये तो फारसी का लफ्ज है जिसके अंदर जो फारसी का मैं कह नहीं सकता जिसको अब ये मतलब उसको उल्टे ढंग से उसका अगर अनुवाद किया जाए जो अनुवाद हुआ फारसी में उसमें तो चोर डाकू लिखा हुआ। तो मेरा मतलब कहने का कि हिंदू शब्द जो है हम हिंदू नहीं है,
मैं साफ कहूँगा। ये बड़ी बात कह रहे हैं आप, ऑन द रिकॉर्ड है। हम हिंदू नहीं हैं, SC ST OBC हिंदू नहीं है। मैं कह रहा हूँ मूल निवासी हैं देश के पास। ये मूल निवासी है, मूल निवासी हैं। देश के प्रधानमंत्री भी तो OBC हैं, वो खुद को हिंदू मानते हैं। देखिए अब मैं, आपने बहुत एक टिपिकल क्वेश्चन कर दिया मेरे सामने। अब देखिए, अगर काका क्लियर की कमीशन की रिपोर्ट आप देख लीजिए, गुजरात की लिस्ट देखिए, प्रधानमंत्री की जाति उसमें नहीं है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट देखिए, उसके अंदर गुजरात की लिस्ट में प्रधानमंत्री की जाति नहीं है। वो वैसा ही काम किया गया वहां पे, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर अभी जो 15 जातियां डाली गई हैं, आचार्य ब्राह्मण्स, डुबडुबे ब्राह्मण्स, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी एक्सक्लूडिंग SC, उसके अंदर जितने प्रकाश ना सब OBC में आ गए, आचार्य ब्राह्मण भी आ गए उसके अंदर। जिन्हों वही बात आ गई, जो बाकी कम्युनिटी है, जैसे इन्होंने सुनार एंटर किए, फिर दूसरी कौमें एंटर की, वो भी काका क्लियर के कमीशन रिपोर्ट में नहीं है। फिर वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में नहीं है, इसी तरह प्रधानमंत्री की जाति भी उसमें नहीं थी। स्टेट कमीशन बैकवर्ड क्लास गुजरात का, उसने रिकमेंडेशन की प्रधानमंत्री जाति की, बहुत लंबी पॉलिसी खेली गई लोगों को OBC के वोट लेने के लिए, बहुत बड़ी लंबी पॉलिसी खेली उन लोगों ने, उसको एंटर किया गया। फिर वहाँ के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने वो जाति एंटर की, तो उसके बाद जाति एंटर करने के बाद प्रधानमंत्री साहब के सामने आ गया, मैं OBC हूँ। अब मैं नहीं कह सकता कि नकली है या असली है, मैं कह नहीं सकता, लेकिन सवाल जो सच्चाई थी वो आपके सामने मैंने रख दी कि गुजरात का बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिकमेंडेशन की, मुख्यमंत्री खुद थे, उसको एंटर किया जाति को, उसके बाद 2014 के सामने ला दिया। जब पर मुख्यमंत्री थे तब किसी ने नहीं कहा भाई ये नरेंद्र मोदी जी OBC से हैं, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री का इलेक्शन चुनाव आया तो उस वक्त उन्होंने सबके सामने कह दिया मैं OBC हूँ। तो मतलब क्या, 12 साल जहाँ 14 साल वहाँ रहे, तब नहीं किसी ने भी कहा कि मैं OBC से हूँ। इस बार OBC समाज किस मुद्दे पर वोट देगा जम्मू कश्मीर में? OBC समाज उस मुद्दे पर वोट देगा जो हमारा पूरे देश के अंदर है, जातीय जनगणना। अगर जातीय जनगणना नहीं होती है तो पार्लियामेंट में हमारे लिए कोई अलग सा पैसा नहीं रखा जाता। हमें मतलब कहने, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए जनगणना होती है, उनका उद्धार करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए, उनके लिए पार्लियामेंट में बजट सैंक्शन होता है, शेड्यूल ट्राइब के लिए बजट सैंक्शन होता है। OBC की गिनती नहीं, OBC को मालूम नहीं इनको कि OBC कितना है, आज तक वहाँ पैसा कोई रखा नहीं जाता। क्या तभी तो 3 साल से हमारे जो विद्यार्थी हैं देश के अंदर, उनका स्कॉलरशिप बंद पड़ा हुआ है। इस वक्त स्कॉलरशिप बंद है OBC का, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता उनको। तो मेरा मतलब कहने का, अगर पार्लियामेंट में जनगणना हो जाए पूरे देश के अंदर, लेकिन हालांकि जो राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने खुद कहा था कि जब जनगणना होगी 2021 में, उसमें कॉलम रखा जाएगा OBC का भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ बंसीलाल चौधरी हैं, 1993 से लेकर के 2024 तक लगातार OBC समाज की मांगों को लेकर के तिरंगा OBC यात्रा लेकर के निकले थे, और इसमें बड़ी सारी मुद्दे इन लोगों के हैं, जिसमें से मेन मुद्दे जो हैं अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले ये 27% आरक्षण की बात करते हैं, उसके बाद जनगणना की बात कर रहे हैं, जिन दोनों से ये सरकार से खुश नहीं है कि सरकार उन्हें सही तरीके से जो है वो उस पर काम नहीं कर रही, जिससे ये सरकार से खासा नाराज़ हैं। और इस बार इन लोगों ने अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में जम्मू कश्मीर में रैलियां निकाली हैं और लोगों को जागरूक किया है कि भाजपा को वोट नहीं करना है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अगर भाजपा को वोट नहीं करना है तो उससे पहले जो 1993 से लेकर के अब तक हुआ उन सरकारों के साथ क्या किया, तो अगर इस बार भाजपा को OBC समाज वोट नहीं करता है, इन्होंने कहा है कि SC ST OBC समाज भाजपा को वोट ना करे क्योंकि सबसे बड़ी बात ये कही है कि वो संविधान को ख़त्म कर देंगे, और दूसरी बात कही है कि जातीय जनगणना नहीं करवाई भाजपा ने, OBC समाज को, SC ST समाज को गुमराह किया है, जिस मुद्दे पर वोट नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कांग्रेस को वोट दिया जाता है तो क्या कांग्रेस इन लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी, क्या कांग्रेस वो काम करेगी जो डिमांडें इन लोगों की हैं, जिन डिमांडों को लेकर के ये 1993 से लेकर के अब तक लड़ रहे हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, अपनी राय दीजिए कि बंसीलाल चौधरी जी ने जो डिमांडें रखी हैं इन डिमांडों पर क्या अगर सरकार
गिरती है और दूसरी सरकार आती है वो काम करेगी या नहीं करेगी। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता जिंदा रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आज़ाद पत्रकारिता करता रह सके।